ये रहा बिल्ला, ये बहुत ज्यादा ही बदमाश है। चलो इधर आओ। Hey guys, welcome back to my YouTube channel। और अभी बारिश हो रही है और दिन के बज रहे हैं देर। मौसम बहुत अच्छा है, मैं दिखाता हूँ आपको। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और मज़ा आ रहा है काफ़ी। चारों तरफ एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया है, तो पता नहीं कितने दिन तक बारिश रहेगी पटना में। और तो अभी मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और एग्ज़ाम से मैं जा रहा हूँ घर। दो तीन दिन से एग्ज़ाम की वजह से ब्लॉग भी नहीं बना पाया। ऐसे ऐसे खिलाई हो तुम? नहीं खाएगा लगता है। तो गाइस, एग्ज़ाम तो मेरा हो गया और लास्ट पेपर था कल, जो कि बहुत अच्छा गया। और दो तीन दिन से मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया था व्लॉग के लिए, क्योंकि एकदम व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था मेरे को। लेकिन फिर जो लोग मेरा व्लॉग कंटिन्यू देखते हैं वो लोग मुझसे पूछने लगे कि बताओ व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बनाते हैं। तो कल एग्ज़ाम देकर आया तो बहुत ज़्यादा थक गया था और मेरा दिल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं जब थक जाता हूँ तो मेरा कुछ करने का दिल नहीं करता है, मन नहीं करता है। तो इसलिए कल का व्लॉग मैंने शूट ही नहीं किया। हल्का फुल्का जो क्लिप शूट किया था वो मैं ऐड कर दूँगा। तो आज वो भी अभी शाम के बज रहे हैं 5, अभी जस्ट मैंने फ़ोन उठाया व्लॉग शूट करने के लिए, तो छत पर आया तो सोचा चलो शूट कर लेते। और वैसे भी आज तो अभी सोच रहा हूँ कि जब छत पर आया हूँ तो पेड़ पौधे में पानी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा पेड़ पौधा हो गया जैसा कि देख सकते हो। एक्चुअली इन सारे पेड़ पौधों पे मैंने मेहनत नहीं किया है, और मैंने भी मेहनत किया है थोड़ा सा बस। जैसे कि इस पेड़ को, ये नींबू का पेड़ है जिसको मैंने काटा था, इसकी छटाई की थी। ये अमरूद का पेड़ हो गया, मैंने इसको वो एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन खोल घुमा, हो गया ना, यहाँ से निकल जाएगा लगता है। ठीक कर दे गया इसको। कौन सा पेड़? नींबू वाला ना। हाँ बढ़ेगा नहीं जब कटा है तो। अभी मैं छत पर था तो अभी मेरा ये बिल्ला, करो हेलो करो। तो मगरिब का टाइम होने वाला है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगने लगी है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है बारिश होने वाली है। और टाइम हो गया है 5:45। ये रहा बिल्ला, ये बहुत ज़्यादा ही बदमाश है। चलो इधर आओ, चलो इधर देखो। हे इधर आओ, कहाँ गया? कहाँ गया? चारों तरफ लाइट्स ऑन हो गई है। पियो पानी पीना तुमको। तो भाई शाम को ज़्यादा ही हो गई है और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे अपने बिल्ला को लेकर।
वैसे अभी तक मैंने इसका नाम रखा नहीं है, आप लोग अगर कुछ नाम जान। तो गाइस आज फ्राइडे है और बहुत दिन तो मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था कुछ दिनों से। तो आज सोच रहा हूँ कि 3 बजे के अराउंड ब्लॉग अपलोड करूँ। तो चलिए आते हैं नमाज़ पढ़ के। अभी मैं आपको खानकाह का दिखाता हूँ कि कितनी भीड़ है वहाँ पे। पीछे भी मेरा खानकाह है, पूरा खानकाह। और असल में मस्जिद जो है वो जो वाइट वाइट गुंबद दिखाए दिख रहा है वो मस्जिद है, और ये जो है ये मज़ार है, और ये उस तालाब है। पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम लोग जाएंगे नमाज पढ़ कर आता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। उसके बाद खाना वगैरह खाऊँ। चलिए ना खाना को खा लीजिए, उसमें खाए गंदा लग रहा है। रोज तो बोली थी 4 ही लेने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गया और बहुत दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग डाल रहा हूँ। दूसरी बात कि जो भी लोग चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करो और शेयर करो। तो आज का व्लॉग तो काफ़ी छोटा रह गया, कोशिश करता हूँ कि व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं ब्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के स्टे ट्यून्ड, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।